subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या आप बता सकते हैं खुदकश हमला था? खुदकश हमला था? और क्या आप अब तक मालूम है कितना शहीद हुआ है, कितना जख्मी हुआ? पता नहीं है भाई, अभी तक तो पता नहीं कुछ भी। अच्छा, किस तरह हुआ है? ये जो मोटरसाइकिल है किसका था? मोटरसाइकिल लीगल वालों का है। लीगल वालों का है। अच्छा, जो खुदकश हमलावर था वो पैदल था? वो पैदल था, लड़का था, वो भाग कर आ रहा था। अच्छा, भाग कर आ रहा था। यानी ये जो रैली था उस रैली का की तरफ जा रहा था और यहाँ पे इन्होंने ये हमला नाकाम बना दिया। नहीं छोड़ दिया जी जी दिया। अच्छा 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 सर, ये ऐसा लगता है ये जो हमला था रैली की तरफ जा रहा था, ये हमला नाकाम बना दिया पुलिस वालों? अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमने अपने तरफ से कोशिश किया, पुलिस वालों से पूछा और वो कह रहे हैं कि एक शख्स था जो रैली की तरफ जा रहा था और वहां पे जो पुलिस स्क्वाड था जिनका मोटरसाइकिल था, उन्होंने ये खुदकश हमला जो है ना नाकाम करार दिया। रिपोर्ट बाय नजम खान। नजम, कोटे कचहरी का इलाका है, मरान चौक के बिल्कुल करीब। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे धमाका हुआ, यहाँ पे पहुंची है, जख्मियों को रेस्क्यू किया जा रहा है और लग रहा है कि यहाँ पे कोई रैली थी, उस रैली के अंदर धमाका हुआ है। लेकिन अभी ये पता नहीं चला कि कितने लोग इसमें जानबाज हुए, लेकिन लोगों को देख सकते हैं कि सिविल अस्पताल रेस्क्यू में दाखिल किया जा रहा है। जो जख्मी है उन्हें उठाया जा रहा है, लोगों की गाड़ियाँ इसमें तबाह हो गई है। Thank you for watching Worldview today. For more such content, videos and exclusive insights, please subscribe to our channel and press the bell icon so you never miss an update. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram, links for which are given in the description below.